मथुरा में आज बाइक रैली निकाली गई और शहीद जवानों को याद किया गया। बाइक रैली में दर्जनों बाइक सवार महिला और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अलीगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते मां बेटी की मौत हो गई। बिजली के पोल पर उतरे करंट की चपेट में आने से दोनों ने दम तोड़ दिया। बस्ती के कलवारी में नदी में नहाने गए तो छात्र नदी के बहाव में डूब गए। एक को तो सकुशल निकाल लिया गया लेकिन दूसरे बच्चे का पता नहीं चल सका। गोताखोरों की मदद से तलाश जारी। बिजनौर के अफजलगढ़ में डीसीएम और ट्रक की भिड़ंत में ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया। कानपुर के चकरपुर बड़ी मंडी में आड़ती तीन दिन से हड़ताल पर है। आड़ती मंडी सचिव को हटाने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल को लेकर पूरी मंडी में सन्नाटा पसर रहा। गाजियाबाद में एक्सप्रेस वे पर पशुओं से भरे ट्रक को रोककर पब्लिक ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले को संभालने में जुटी हुई है। हमीरपुर में एक नाबालिग लड़की को रात में घर से अगवा कर दो युवकों ने रात भर सामूहिक बलात्कार किया, जिसके बाद पीड़ित कई दिनों से थाने के चक्कर काट रही लेकिन उसको साफ नहीं मिला। जौनपुर में ट्रक की टक्कर से छह लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी और हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद। सहारनपुर जिला महिला अस्पताल में नवजात की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया और पैसे न देने पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। महाराजगंज के कुलोही इलाके में एम्बुलेंस नहीं मिलने से युवक की जान चली गई। सूचना के बाद भी एम्बुलेंस न मिलने से मरीज को ठेले पर अस्पताल ले जाया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाशों की फायरिंग में ग्रामीण घायल हो गया। वहीं पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बागपत में किशोरी को किडनैप करने के बाद चलती गाड़ी में गैंगरेप किया गया। पीड़िता को बदआवास हालत में हाईवे किनारे फेंक कर फरार हो गए। वहीं गैंगरेप पीड़िता न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही। शामली में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर लीक होने से अचानक आग लग गई और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आने से खाना बना रही महिला भी गंभीर रूप से झुलस गई। ग्रेटर नोएडा में अवैध रूप से चल रहे मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाई बरामद की है। पुलिस ने स्टोर संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया। बरेली के सुभाष नगर में बाइक सवार युवक से बदमाशों ने 50,000 रुपए और सोने की चेन लूट ली। इस दौरान बेखौफ बदमाशों ने युवक पर हमला करके उसे घायल कर दिया। सहारनपुर में अवैध संबंधों के चलते पति ने ईंट से पीट पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। मौके पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। रायबरेली में बाजार गए युवक को स्कॉर्पियो सवार युवकों ने किडनैप कर लिया और असले की पट से मारकर घायल कर दिया। पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली इलाके में गश्त कर रही कोतवाल की गाड़ी में नशे में धुत कार सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर में एएसआई समेत दो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने कार को गिरफ्त किया। मथुरा में चलती ट्रेन से जल्दी उतरने के चक्कर में एक नवयुवक की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मृतक युवक का पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में चार दबंगों ने मंदबुद्धि नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया और उसके गर्भवती होने पर दवाई खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर चारों आरोपियों के खिलाफ तहरीर ले ली। लगेपुर खीरी पुलिस के इन दिनों गुलेल और डंडे लेकर बंदरों को भगाने में जुटे हुए हैं। पुलिस ने नगर पालिका में भी शिकायत की लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बदायूं के इस्लाम नगर में रंजिश के चलते पड़ोसी ने युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीतापुर के अटरिया इलाके में खेत में बनी पक्की चार दीवारी के अंदर 10 साल के बच्चे का गला काट कटा शव बरामद हुआ है। पिता ने ही दुश्मनों को फंसाने के लिए अपने बच्चे की गला काटकर हत्या कर दी। सुल्तानपुर में किराना व्यापारी से बाइक सवार बदमाशों ने 3 लाख की लूट को अंजाम दिया और असला लहराते हुए फरार हो गए। इससे पहले भी गवड़िया ओवरब्रिज पर अब तक लूट की कई वारदातें हो चुकी हैं। शामली के कस्तूरबा गांधी विद्यालय से लापता 3 छात्राएं दिल्ली से बरामद हुई हैं। 3 छात्राएं स्कूल से निकलकर दिल्ली घूमने चली गई। गोंडा के नाग बाबा मंदिर के महंत पर दबंगों ने ईंट पत्थर और धारदार हथियार से हमला कर दिया। महंत को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया। बुलंदशहर के शिकारपुर इलाके में रोडवेज बस और टाटा मैजिक की भिड़ंत में मैजिक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। बरेली में पुलिस ने बच्चे की गोली मारकर हत्या का खुलासा करते हुए उसके ही पिता और चाचा को गिरफ्तार किया है। कलयुगी पिता ने विरोधियों को फंसाने के लिए अपने बेटे की हत्या कर दी। कासगंज जिला अस्पताल पर डिप्टी सीएमओ ने छापा मारकर अवैध रूप से खड़ी 5 प्राइवेट एम्बुलेंस को पकड़ा है। 5 प्राइवेट एम्बुलेंस को यातायात पुलिस के हवाले कर दिया गया। गोंडा में घाघरा नदी से होने वाली तबाही और कटान से के खतरे से बचने के लिए स्थानीय लोगों ने नखहरा गांव के किनारे रामायण पाठ और भंडारे का आयोजन किया।
आगरा में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। झमाझम हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं किसानों में खुशी की लहर है।